क्या बना रही है आज? हेल्दी खाना। हेल्दी खाने में क्या है? हेल्दी खाने में है आज छोले का सैलेड। छोले का सैलेड खाया है कभी? तुम ही खिलाओ जंगली चीजें। जंगली नहीं है जी, बहुत हेल्दी है। बहुत हो गया ऑयली ऑयली, अब बनेगा हेल्दी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये लेंगे छोला। तो ये मैंने ये ब्लैक वाले चने लिए, ये काबुली चना जो छोले होते ना, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। ठीक है, तो अभी इसको हम निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद डालेंगे ये जो पनीर है ना, तो ये पनीर को मैंने ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया, क्योंकि कच्चा कच्चा खाने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको मैंने फ्राई कर दिया। ठीक है, तो इसमें डालेंगे सबसे पहले ये बारीक कटी हुई प्याज, और फिर डालेंगे ढेर सारा खीरा। हाँ, ढेर सारा खीरा, सारे ही डाल देते हैं। ठीक है, डालेंगे ये टमाटर, पक्का पक्का टमाटर, रेड रेड। ठीक है, और इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ये वाला भी चना डाल सकते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। ठीक है, और ये मूंगफली, तो इसको भी टेस्ट के लिए आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। और डाल बस। मैंने ससुराल से लेकर आई थी नींबू, तो मैंने इसको निकाल लिया है। ठीक है, रस, और उसको रख लिया है फ्रिज में, तो उसको डालेंगे। बस बहुत है ना, एक चम्मच और डालो। बस इसमें डाला है नमक। ठीक है, अभी इसको पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद डालें पनीर, नहीं तो पनीर डालेंगे ना तो टूट जाएगा पनीर। तो ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर सा, अभी कलरफुल होने वाला है, काफी अच्छा लग रहा है ना, टेम्प्टिंग। जी ललचाए रहा ना जाए। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? मेरे। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर और डेकोरेशन करना है तो इसमें आप बारीक कटी हुई धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ना धनिया नहीं खाते हैं। ठीक है, आप इसमें डालेंगे पनीर, तो पनीर ऐसे डाल दिया। और इसी के साथ तैयार है।